बोकारो दिनभर में आज सेक्टर 4 कार शोरूम जमीन विवाद ने लिया अप्रिय रूप, बताएंगे पूरा मामला। सेक्टर 12 के बारिक ऑपरेटिव में कथित तौर पर गोली चलने की खबर आई है सामने, जानेंगे। बारिश के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त, इसकी भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सीमा और आप देख रहे हैं बोकारो दिनभर। बोकारो के सुर्खियों में BSL का स्लैबिंग मिल हुआ बंद, इसकी भी बात करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे, चर्चा और भी खबरों पर करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। CBSE 12वीं के नतीजे घोषित, 99.37% छात्र हुए पास। टोक्यो ओलंपिक में भारत की लवलीना और पीवी सिंधु का पदक पक्का। भारतीय महिला हॉकी टीम भी क्वार्टर फाइनल में पहुंची। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों से बढ़ी केंद्र की चिंता। केंद्र सरकार के 6 सदस्यों की टीम आज केरल में। केरल में 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन। कोलकाता में भारी बारिश से कई जगह जलजमाव। पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 44,230 नए मामले सामने आए, वहीं 555 की मौत हो गई। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 66 अंक और निफ्टी 15 अंक गिरकर बंद हुआ। सोने की कीमत 40 रुपये प्रति 10 ग्राम बढ़ा तो वहीं चांदी का दाम 1,000 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नज़र आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार से 1 हफ्ते में जज हत्याकांड पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा। जज और वकील की हत्या के विरोध में प्रदेश के वकीलों ने आज नहीं किया काम। लगातार बारिश से रांची में जलजमाव, 7 जिलों में अलर्ट। तो ये थी देश दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नज़र डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो सेक्टर 4 स्थित हिंदुस्तान ऑटो एजेंसी के शोरूम और BSL जमीन विवाद मामला आज शुक्रवार को एक बार फिर सुर्खियों में तब आ गया जब BSL प्रशासन जगह जमीन खाली करवाने वहां पहुंचा। विवाद ने उस वक्त अप्रिय रूप ले लिया जब शोरूम के कर्मी एकजुट होकर शोरूम के बाहर विरोध कर रहे थे और इसी दौरान विरोध कर रहे कार शोरूम के कर्मियों में से एक महिला कर्मी को चोट लग गई। प्रशासन का कहना है कि इस विवाद में पुलिस को भी चोट आई है। हालांकि इस मामले पर शोरूम प्रबंधक का कहना है कि यह मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, इसलिए यह कार्रवाई अनुचित थी। BSL प्रशासन को इस मामले में बैठकर बातचीत करनी चाहिए थी और मामला सुलझाना चाहिए था। ये तो हम लोग का केस हाईकोर्ट में चल रहा है, डबल बेंच में गया हुआ है, डबल बेंच में। के बाद आज फिर ये लोग अचानक आ गए, ना कोई नोटिस है ना कोई खबर है। उनको पता है कि कोर्ट में हमारा केस है, उनका वकील लड़ रहा है। सेल को बैठ के बात करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। हमने इस मामले पर BSL प्रशासन से भी मौके पर बात करने की कोशिश की। इसे थोड़े होता है, हम लोग ने काम करे, हम लोग बात करें तो मजिस्ट्रेट आप है, सीनियर से बात करिएगा। बताइएगा ना। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा और धनबाद के जज उत्तम आनंद की हुई हत्या मामले में स्टेट बार काउंसिल के निर्देश पर बोकारो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की अधिवक्ताओं ने पदाधिकारियों की अगुवाई में शुक्रवार को बार एसोसिएशन से प्रतिवाद मार्च निकालकर बोकारो उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। दुनिया के अधिवक्ता एक हो, जो हमसे टकराएगा
चट्टानी एकता पुकारो बार जिंदाबाद। अधिवक्ता जो रांची सिविल कोर्ट के साथ और उत्तम आनंद जी जो एडीजे धनबाद के साथ जो निर्मम हत्या की गई निशंस, उसका हम सभी घोर निंदा करते हैं और शोक संतृप्त परिवार के साथ हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। आज पूरे प्रदेश में सभी 37 बार एसोसिएशन के अधिवक्तागण आज न्यायिक कार्य से अपने आप को अलग रखे हैं और डीसी साहब को हर एसोसिएशन के द्वारा एक मेमोरेंडम दिया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री को निर्देशित करते हुए डीसी साहब को अग्रसारित करना है उनको। उसमें यह एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो अधिवक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है, उसको यथाशीघ्र अभी मानसून सत्र में ही राज्य सरकार उसको लाए, अध्यादेश लाए। बोकारो में मानसून अपने पूरे परवान पर दिख रहा है। बोकारो में रात से ही हो रही झमाझम बारिश ने लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आज भी बोकारो में दिन भर बारिश होती रही। बारिश के कारण जहां एक तरफ बोकारो का मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं सड़कों और गड्ढों में पानी भर जाने से लोगों को आवाजाही में परेशानी आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अभी कुछ दिनों तक मौसम यूं ही बना रहेगा। कभी आसमान में बादलों का डेरा रहेगा तो कभी बारिश शुरू हो जाएगी। आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सेक्टर 12 के बारी कोऑपरेटिव में गुरुवार को कथित तौर पर जमीन मामले को लेकर गोली चलने की खबर सामने आई है। हालांकि इस मामले पर पुलिस ने सत्यापन करने के बाद ही कुछ कहने की बात कह रही है। आने के बाद यहाँ पे बैठा ये गाड़ी पे, उसके बाद में 10 मिनट रुका, उसके बाद में तुरंत वहाँ पे बोला काम बंद करो, लेबर लोग था तो बोला बंद करो। हम लोग काहे बंद करो तो बोला पैसा नहीं पहुँचाया है। सर में तो बहुत थे, 8-10 आदमी थे, लेकिन 2 आदमी नीचे उतरे थे। घटना यहाँ पे है कि जलेश्वर साहब जी का ये जमीन, जैसा कि बताया गया जलेश्वर साहब जी का जमीन है और यहाँ पे बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। इसी काम चलने के दौरान कुछ व्यक्ति यहाँ पे आए हैं और जो काम करवा रहे थे उनको काम रोकने का बात बताए और धमकी देते हुए वो लोग चले गए। जैसा कि यहाँ पे घटनास्थल पे पहुँचने के बाद पता चला है कि 2 लोग इस प्लॉट पे आए थे और 3-4 लोग पीछे वाले जो बाउंड्री उसके पीछे खड़े थे। गोली चलने के विषय में थोड़ा सा सत्यापन कर लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसकी जो भी बातें निकल के आएंगी बताया जाएगा। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केस 26 हो गया है। वहीं 4 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 4,094 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ जिले में कुल 11,400 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। बेरमो तेनू घाट के SDO अनंत कुमार ने स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी को लेकर गुरुवार को समीक्षा बैठक की और सुभाष कटियार के निरीक्षण में 11 से 13 अगस्त तक परेड का रिहर्सल मुख्य समारोह स्थल पर करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा समारोह स्थल की सफाई, पंडाल व्यवस्था, झंडोत्तोलन की तैयारी की जिम्मेदारी अलग अलग पदाधिकारियों को दी गई। समारोह में मास्क पहनने के साथ ही आपसी दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। पूरे झंडोत्तोलन समारोह में आम और खास सभी को कोविड-19 के दिशा निर्देश का पालन करना होगा। BSL के उत्पादन में लगातार 47 वर्षों तक अपनी अहम भूमिका निभाने वाले स्लैबिंग मिल अब एक इतिहास बन गई। गुरुवार को BSL के स्लैबिंग मिल में अंतिम इनगॉट को अलग अलग विभाग के अधिशासिक निदेशक समेत कई अधिकारियों द्वारा रोल किया गया। BSL प्रबंधक द्वारा स्लैबिंग मिल में उत्पादन बंद करने का निर्णय SMS न्यू के मॉडर्नाइजेशन के बाद CCS से उत्पादन शुरू होने के बाद किया गया। बोकारो के गुरु गोविंद सिंह एजुकेशनल सोसाइटी टेक्निकल कैंपस में जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा की 117वीं जयंती पर गुरुवार को IQAC सेल ने ऑनलाइन समारोह आयोजित किया गया। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर प्रियादर्शी जरूहार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण से विभूषित भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट टाटा के क्रिएटिविटी पर प्रकाश डाला। आज का कमेंट ऑफ द डे अभिषेक कुमार द्वारा किया गया है, जिन्होंने 29 जुलाई को बोकारो टाइम्स के YouTube पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, सेक्टर 9B का रोड नहीं बन रहा है,
इसको लेकर आप क्यों नहीं न्यूज पब्लिश कर रहे हो? अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़े रहने और आपके सुझाव के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि लोगों को हो रही समस्याओं को हम अपने समाचार के माध्यम से समाज और प्रशासन तक पहुँचाए, ताकि उस समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। और जहाँ तक सेक्टर 9 रोड के कवरेज की बात है, उसे हम जल्द ही बोकारो दिनभर में दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहें हमारे साथ। अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे 2 दिनों की छुट्टी के बाद बोकारो दिनभर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।